और सूजी दूधी और कड़ी खाई ये सब पसंद नहीं आती। धूप निकल चुका है लेकिन ठंडा ठंडा हवा आ रहा है तो इसका भी एक कारण है। कल रात को जब मैं और सुकुदा निकले थे ना सैलून के लिए तो कल रात को बहुत ज्यादा बारिश हुआ था। वैसे वेदर भी वैसा हो रहा था लेकिन मुझे लग रहा था कि गर्मी के टाइम पे बारिश होगा नहीं, बादल भी ऐसे छाए हुए थे लेकिन कल 2-2.5 घंटे तक बारिश हुआ था लगातार। इसीलिए कल का वेदर भी मस्त था रात का और आज सुबह का वेदर भी मस्त है। अभी भी ठंडा ठंडा हवा आ रहा है और आज वैसे मंडे है और आज कॉलेज साइड खुलने वाला है। अभी कोई ऑफिस नहीं आया है लेकिन सर को जब मैंने पूछा तो सर ने कहा कि कॉलेज आ जाओ उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन आज मैं कॉलेज नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि इनका तबीयत खराब था तो आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है तो आज दी को लेके जाना है आसानसोल। तो अभी तो दी बहन बेबी वो सब सो रहे हैं तो दी को उठने देते हैं, उससे बाद उससे पूछेंगे कि कब जाना है तो उस हिसाब से मैं निकलूँगा दी को लेके आसानसोल। तो अभी फ़िलहाल देखो यहाँ पे पूजा जो है कंप्लीट हो गया है। सुबह सुबह हमारे घर में सुबह सुबह पूजा कंप्लीट हो जाता है। ये देखो कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, गणेश जी है, लक्ष्मी माता है। यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गया है टोटली। यहाँ पे कृष्ण भगवान का रात को सोने का जगह है। मेरा चाय भी आ चुका है गाइस बिस्किट के साथ तो फिलहाल मैं पीता हूँ चाय। मैंने चाय पी लिया है, मैं निकलता हूँ मार्केट के लिए। सब्जी मार्केट जाना है मुझे, सब्जी लेके आना है कुछ। और यहाँ पे देखो बेबी उठ चुका है। बेबी क्या कर रहे हो? देखो गाइस बेबी समझ रहा है मेरे पैंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, टॉमी लाइफ। उसको आता नहीं है पढ़ना, ए बी सी डी पढ़ना सही तरीके से आता नहीं है लेकिन ये समझ रहा है क्या लिखा हुआ है। देखो बेबी के नखरे चालू हो चुके हैं सुबह सुबह उठ के। हाँ बेबी क्या कर रहे हो? यंटम्मा यंटम्मा देखो गाना पूरा आता है बेबी, नया वाला गाना। देखो बाहर कितना ज़्यादा धूप है गाइस और बेबी निकल चुका है। मैं जा रहा था सब्जी बाजार, इसको जाना है भाई मामा के पास कुछ लेके आने के लिए, कुछ सुबह का खाना चाहिए इसको। पहले चलते हैं भाई मामा के पास कुछ लेके आते, पता नहीं है लेकिन जाना है, फिर चलूँगा मैं सब्जी बाजार। इसको लेके बाजार नहीं जा सकते ना तो अभी इसको कुछ खाना दे के खिलाना पड़ेगा, मतलब घर में छोड़ के जाना पड़ेगा नहीं तो मेरे साथ चला जाएगा। मिल चुका है सुबह का खाना, ये देखो चिप्स बहुत पसंद है इसे, तड़का खाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, है ना बेबी? और सूजी रोटी और तड़काई ये सब पसंद नहीं आता। सूजी रोटी तड़काई पसंद नहीं आता, चिप्स खाना है। सुबह सुबह मिल चुका है, अभी इसको घर में छोड़ते हैं फिर मैं निकलता हूँ बाजार के लिए। अभी गए जा चुका हूँ अंडाल के अंदर सबसे बड़े सब्जी मार्केट में जो कि साउथ बाज़ार में है। ये देखो इस साइड में सिर्फ सब्जी मिलता है, इस साइड में सिर्फ मछली मिलता है, सामने फ्रूट्स मिलते हैं और वहाँ सामने हर चीज़ मिलता है, सब्जी मछली फ्रूट सारे एक साथ मिलता है। तो मैं चलो ले लेता हूँ सारे सामान। और यहाँ पे रोड्स ख़राब है थोड़ा सा लेकिन सब्जी और मछली फ्रूट्स ये सारे बहुत अच्छे हैं। तो मैं चलो मेरा सब्जी और मछली जो भी लेना है मुझे वो कंप्लीट करता हूँ मैं। देखो इस जगह पे सिर्फ फ्रूट्स मिलते हैं, यहाँ पे भी सब्जी मिलते हैं, इसके आगे थोड़े से आगे वहाँ पे मछलियाँ मिलते हैं, यहाँ पे टोटल जगह पे सब्जी मिलते हैं। बहुत ही बड़ा है, काफ़ी बड़ा है हमारा ये जो बाज़ार है, काफ़ी बड़ा है और हफ्ते में 7 दिन बैठता है, ये एक बढ़िया चीज़ है। तो सच में काफ़ी बड़ा है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो इस साइड से टोटली घूम के उधर तक लास्ट तक बाज़ार है। अभी गाइस मेरा बाज़ार जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस अभी दो सामान लेने बाकी है, एक मछली लेना है, दूसरा जो है वो है क्या बोलते हैं उसको हिंदी में पता नहीं, बंगाली में इचोड़ बोलते हैं, तो वो लेना है, वो लेते हैं, वो दोनों लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। और वेदर देखो, मौसम देखो, आज मैं निकला हूँ बहुत दिनों बाद बाज़ार करने के लिए और आज वेदर सही हो चुका है, ज़्यादा धूप नहीं है। ये है इचोड़, उसको लेना था ये वाला, चलो ये लेते हैं फिर चलते हैं। अभी फिलहाल गाइस हो चुका है बाज़ार कंप्लीट और अभी बाज़ार से निकल रहा हूँ, घर जाना है अभी। ये देखो खाली हाथ आए थे और जाने के टाइम इतना सारा सामान लेके जाना पड़ रहा है, तो चलो अभी फिलहाल चलते हैं घर सीधा। ये देखो गाइस ये भी कहाँ पे खेल रहा है, इसको मना किया है फिर भी यहाँ खेलने आ जाता है, एकदम सीढ़ी के पास में और ये सीढ़ी में देखो गार्ड भी नहीं है। चलो बेबी 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 इधर नहीं,
अभी तो 10 बज रहा होगा गाइस, मैं घर में आ चुका हूँ और बेबी फिर से वहाँ पर वहीं पे जाके खेल रहा है, वो बात ही नहीं सुन रहा है, वहाँ से हट नहीं रहा है। अगर गिर गया तो बहुत दिक्कत है। तो मैं फिर चलता हूँ नीचे इंटरनेट कैफे में, ब्रेकफास्ट भी करता हूँ और आज जो वेदर ऐसा मस्त है इसीलिए बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक, वेदर अच्छा है इसीलिए। आ चुका है सुबह का ब्रेकफास्ट गाइस, रोटी और भिंडी की सब्जी। चलाता हूँ मैं गाना, फिर खाते हैं ब्रेकफास्ट। कल लगातार 2 बार लोन होने के बाद अभी जा रहा हूँ गाइस फिर से बियर ट्रिम कराने के लिए। तो उधर निकल चुका है वो, देखो आगे जा रहा है उधर, मैं अभी चलता हूँ। आज तो वेदर वैसे मस्त है, घूम के आते हैं। आज अगर उस सैलून में नहीं हुआ किसी और सैलून में काट लेंगे, लेकिन काट के ही आएंगे आज गाइस। तब से बैठा हुआ यहाँ पे आके सैलून में 12 बजे से, अभी 1:30 बज रहा है, अभी तक नहीं हुआ, 3 बज जाएगा आज घर जाने में। उसको देखो सो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है बैठ बैठ के। अभी भी ये एक बच्चा है, इसको काटने के बाद फिर हमारा होगा। फाइनली फिलहाल हो चुका है मेरा बियर्ड ट्रिम करना, उस बुधा का बाल काटना भी हो गया, बियर्ड ट्रिम करना भी हो गया। और टाइम इतना चला गया, अभी 2:30 बज रहा है, अभी जाके नहाना पड़ेगा। 12 बजे आए थे हम लोग आज, इंटरनेट कैफे बंद करके ही आ गए थे यहाँ पे, पता था कि आज भी शायद भीड़ होगा। तो अभी चलते हैं फिलहाल। और यहाँ पे देखो ईद का माहौल अभी भी है, जश्न अभी भी है जैसे, तो यहाँ पे इसीलिए गाना बज रहा है, हर टाइम गाना बज रहा है, लगातार गाना ही बज रहा है। चलो चलते हैं सीधा घर। फिलहाल गाइस मैं घर पे वापस आ चुका हूँ और यहाँ पे देखो ये बेबी ने खिलौने खेल के कहाँ पे फेंक के रखे हैं। तो इसको पहले समेटते हैं, बेबी का तो खाना हो चुका है, वो अभी सो रहा है, तो इसको पहले समेटते हैं, वहाँ पे साइड में करते हैं, फिर चलता हूँ मैं नहाने के लिए। गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:00 और थोड़ी देर में मैं और दी निकलने वाला हूँ, असनसोल जाने वाला हूँ। सुबह ही जाने वाले थे हम लोग, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर शाम को अवेलेबल है, इसीलिए अभी मैं रेडी हो रहा हूँ, दीप घर में रेडी हो रही है, फिर हम दोनों निकलते हैं। अभी फिलहाल गाइस हम लोग निकल चुके हैं, मैं भी निकल चुका हूँ, दीप निकल चुकी है, देखो फोन कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी चलेंगे सीधा स्टेशन में, 5 बजे एक ट्रेन है, उससे चलेंगे आसनसोल। तो आज का वेदर देखो, वेदर तो वैसे ख़राब है, मतलब बारिश होने वाला है, कभी भी बारिश हो सकता है, देखो कैसा वेदर है। वो वहाँ पे है, अभी टोटो का इंतज़ार कर रहे हैं। टोटो आ चुका है गाइस, हम लोग निकलते हैं और मम्मी भी यहाँ पे है। मैलम अंडा स्टेशन के अंदर पहुँच चुका हूँ अभी गाइस, देखो कितने ज़्यादा हरियाली हैं यहाँ पे, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे देखो, और दी आगे जा रही है, मैं पीछे पीछे, और यहाँ पे देखो बीच में स्टैचू है गाइस। अभी रानीगंज में पहुँच चुका हूँ, ट्रेन यहाँ पे रुका हुआ है और बारिश से गिर रहा था, अभी बंद हो चुका है, गिर रहा है, बंद हो रहा है, ऐसा हो रहा है जी। सुपर फास्ट ट्रेन के लिए ट्रेन रुका हुआ है गाइस, वो तो निकल गया, अभी ये भी खुलने वाला है शायद। तो अभी फिलहाल चलते हैं, चलो आसनसोल में, वहाँ पर वहाँ से जाना है दिलव्यू हॉस्पिटल में, जहाँ पे दी एडमिट थे, वहीं पे डॉक्टर बैठते हैं, तो वहाँ पे जाके चेकअप करवा रहे हैं। अभी शायद ट्रेन खुलने वाला है, लेकिन अभी तो सिग्नल नहीं दिया है, वो ट्रेन क्रॉस कर गया अभी, तो अभी थोड़ी देर में खुलेगा, अभी लाइन क्लियर नहीं है शायद। अभी फिलहाल गाइस आसनसोल स्टेशन में पहुँच गया हूँ, लेकिन ये देखो, लेकिन प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, अभी बाहर बारिश भी हो रहा है इसलिए अम्ब्रेला लेके जाना पड़ रहा है। अभी डॉक्टर जो है वो 8 बजे आएंगे, इसलिए अभी दी के घर में चलता हूँ फ्लैट में, फिर इंतज़ार करना पड़ेगा वहाँ पे 8 बजने का, फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। अभी तो फिलहाल गाइस 7 बज रहा है और मैं निकल चुका हूँ अंडाल जाने के लिए, क्योंकि 8 बजे दी का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, दी और जीजू जाने वाले हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद जीजू छोड़ने के लिए दी को आएंगे अंडाल। तो मैं अभी निकलता हूँ, क्योंकि 9:50 से पहले अभी कोई ट्रेन नहीं है, तो मुझे बस पकड़ के जाना पड़ेगा। तो मैं अभी चलता हूँ सीधा हटन रोड मोड़, जो कि बस स्टैंड है आसनसोल के अंदर, तो वहाँ पे 7:30 बजे शायद एक लास्ट बस होता है, तो वही पकड़ने का इरादा है मेरा। तो अभी फिलहाल चलते हैं, चलो जल्दी पहुँचते हैं। और आज के लिए इस ब्लॉग में यही पेंट करता हूँ, होगा लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उससे आगे नहीं, उससे आगे नहीं, घूम के आ जाओ वापस।